Assalam alaikum, Sanobar behan. Walaikum assalam, Amir bhai. आ गए? मैं आ गया. दौरा कैसा रहा आपका? बिल्कुल फर्स्ट क्लास. बस दो चार दिन ऊपर लग गया. एक शहर से माल लोड करवाया, दूसरे शहर पे उतारा. बस यही कारोबार है हमारा. बहुत थक गए होगे. चाय बनाऊं? चाय नहीं, बहुत भूख लगा, खाना खाएगा. सलाम माँ. हाँ, पहले जैली बहन फिर माँ. कैसा बातें कर रहे, ऐसा बात मत करो. अच्छा, थक गए होगे ना, जाओ जाके नहा लो, फिर बातें करेंगे. नहीं माँ जी, पहले बात करेगा. सनोबर बहन, क्यों सोबिया का आदत खराब कर रहे? अरे नहीं अमीर भाई, सारा काम तो वो बेचारी करती है, मैं तो बस यूं ही. इसे तो बस स्कूल में पढ़ाने का शौक चढ़ा. तो कोई बुरा शौक तो नहीं है ना? हाँ, तुम तो ऐसा ही बोलेगा ना, तुम इसको कहीं से उठा के घर जो ले आया है. माँ जी, मुझे पढ़ाने का शौक था, आपने मना किया और मैं खामोश हो गई. अब ये बातें दोहराने का कोई फायदा नहीं है. देखो तो जरा, इसका भी जबान निकल आया है. माँ तुम भी हर छोटा बात पे बोलते. अच्छा अच्छा, उठो नहा लो, बहुत बातें करनी है तुमसे. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग रेड के लिए इतना शोर क्यों मचा रहे थे. सॉरी सर, हमें नाम की वजह से धोखा हो गया था. हाँ तो पहले मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कर लेते ना, तुम तो एक बहुत मोहतात अफसर हो. इंसान हूँ सर, गलती तो हो जाती है. दरअसल उसका नाम हम लोग नहीं जानते थे, सिर्फ ये पता चला था कि लाला नाम की लड़की यहाँ आई है और आजकल नज़र नहीं आ रही है. खैर जो होना था सो हो गया, फॉरगेट इट नाउ. उस बुढ़िया को शाम से पहले उसके घर पहुँचाओ. वो लड़की जो गुले लाला है उससे उसकी पूरी डिटेल पता करो, कहाँ रहती है, और उस लड़की को भी उसके घर पहुँचा देना बाइज्जत तरीके से, और कोई स्टोरी बना कर बता देना जिससे उसकी इज्जत पर कोई हर्फ ना आए. ओके सर. इस लड़की की स्टोरी तो वाकई काबिल अफसोस और शर्मनाक है. उसने मुझे रात को अपनी डिटेल बताई तो काम सा क्या था. बहुत से ऐसे केसेस देखने में आते हैं सर, यकीनन हो. तमाम रात रोती रही है बेचारी. वो शोर बहुत अलमी से गुजरी है सर. वैसे अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ऑपरेशन कामयाब रहा. और जहाँ तक बात है दिलेर के बेटे की, तो मेरे ख्याल में, बल्कि आई एम श्योर, उसको उसकी सुतेली माँ ने ही अगवा किया होगा. जी सर, हम पूरी तफ्तीश कर रहे हैं और इस बार नाम अच्छी तरह मालूम करके करेंगे ताकि कोई शर्मिंदगी ना उठाना पड़े. लड़की को तो अभी ले जाओ. कोई केस वगैरह तो नहीं बनाया ना तुम लोगों ने? कोई FIR तो नहीं दर्ज की? नहीं सर, आपकी इजाज़त के बगैर नहीं बना. बस ठीक, आई एम श्योर कि तुम बहुत तरक्की करोगे, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा. थैंक यू सर. क्या कर लेती, रोध होकर चुप हो. कब तक झूठे बहन भाई बने रहोगे? लोगों को पता चलेगा, हंसेंगे. इतना तो सोचो, घर में एक जवान बहन बैठा है. तुम समझता क्यों नहीं है माँ? हमने सनोबर से वादा किया कि हम उसको उसका बेटा ला के देगा. अरे बेटा तो शादी के बाद में मिल जाएगा. तुमको यकीन क्यों नहीं आता माँ? वो हमारा सगा बहन की तरह. ये लो माँ चाय. माँ तुम्हारी शादी करके ही रहेगा भाई. तुम जाओ, सनोबर को भेजो. उसको क्यों बुलाते हैं इधर? फिक्र नहीं करो भाई, माँ तुम्हारा निकाह नहीं पढ़वा सकता है. मैं अभी सनोबर को लेके आती हूँ. देखो माँ, ये ज्यादती है. देखो अमीर खान, मैं चाहती हूँ अभी फैसला हो जाए. अगर तुम हमारा बेटा है तो अभी फैसला करो. देखो माँ का बातों को बुरा नहीं माना. मैं हर बात नजरअंदाज कर सकती हूँ पर ये शादी वाली नहीं. माँ जी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती. सोचने में कितना देर लगता है? मैं कौन सा अभी निकाह पढ़ा रही हूँ. मेरा ख्वाहिश है कि तुम हाँ कर दो. उसका बात को समझो, वो क्या कह रहा है. अरे इसको बोलने दो जो बोलता है, होगा वही जो हम चाहते हैं. वरना वरना इसको ये घर छोड़ना पड़ेगा. देखो मेरा बात सुनो,
तुम इसको घर से नहीं निकाल सकते। माजी, मैं अपनी जिंदगी सिर्फ अपने बेटे के साथ गुजारना चाहती हूँ। आप ऐसी बात ये जबरदस्ती मत करें। बस तुम्हारा बेटा तो शायद ही मिले। इसका बेटा जरूर मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा। आपकी माँ, आपका भी एक बेटा है। सनोबर बहन, इंसान जिद में पागल हो जाता है। मेरे से ज्यादा तो तू पागल हो गया है। माँ का तो दिमाग खराब हो गया। दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया। इस बहन ने तुम्हें बदल दिया। सनोबर बहन, पानी उबल रहे। पता ही नहीं चला। माँ ने बातें ही ऐसी की होगी। तुम्हारी जगह मैं होती तो पता नहीं क्या करती। क्या कर लेती? रोध होकर चुप हो जाती। मैं घर से भाग जाती। सोबिया, भागना इतना आसान नहीं होता। शादी ऐसे थोड़ी ना हो जाती है। अगर दोनों पार्टी तैयार नहीं होते तो कैसे? अमीर के बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती सोफिया, वो मेरे भाइयों जैसा। भाई भी ऐसे ही सोचता है, मगर बा नहीं समझेगी। सोफिया, तुम जरा चावल देख लेना, मेरी तबीयत घबरा रही है। हाँ, क्या कर लेती? रोध होकर चुप हो जाती। मैं घर से भाग जाती। अमीर के बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती सोफिया, वो मेरे भाइयों जैसा। भाई भी ऐसे ही सोचता है, मगर बा नहीं समझेगी। माँ, सनोबर किधर है? अपने कमरे में होएगा। कमरे में तो नहीं है। तो किधर चला गया? अच्छा छोड़ो, टोकरे का तो आया था, टोकरे का आने चला गया। ऐसा तो ना बोलो माँ, भाई को बोलो।
अरे तुम उसको छोड़ो ना, तुम्हें उसका क्या पड़ा? तुम जाओ जाके अपना काम करो, चाय बनाओ मेरे लिए। कैसे बहने मिलकर भी नहीं गए?